हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल स्यापा, जहाँ पे देते हैं एक्सक्लूसिवली आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी हुई जानकारी। वो तो है अलबेला के अपकमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कि जो फैमिली मेंबर्स हैं वो अपनी सिचुएशन के बारे में कंप्लेन कर रहे होते हैं, तभी नकुल उन्हें हिम्मत देता है और कहता है कि आप उम्मीद मत खोइए। तभी वो कहता है कि आप ये सोचिए कि अगर कोई एक भी कहीं पिकनिक पर आया है। खाना यहाँ पर शेयर करता है सयूरी के साथ उसके सेंस की कैसे क्रश है उसका उस पर, और वो उसे इसी का फ़ायदा उठाकर मैनिपुलेट कर सकता है, यानी कि चमन बहार को। सयूरी कहती है, मैं जलस भी हो रही हूँ कान्हा, क्यों तुम हमेशा उसको बार बार रील बनाने के चक्कर में उसके क्लोज जाते हो। तभी वो अग्री करते हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जो काम हमें निकलवाना है उसके लिए करना ही होगा। कान्हा यहाँ भगवान से माफ़ी मांगता है ऐसा करने के लिए। इधर कान्हा चमन को कॉल करेगा बहुत ही प्यार से और वो कहेगा कि आप इधर आइए ना, और चमन उसको सपने भरी हसरतों भरी निगाहों से देखेगी। कान्हा कहेगा कि मुझे ज़्यादा तो नहीं पता घर के काम के बारे में। चमन कहती है, कोई बात नहीं, बाकी के नौकर हैं ना, वो कर लेंगे, आप सिर्फ हमारा ख्याल रखिए। कान्हा कहता है कि आई प्रॉमिस, मैं आपकी हमेशा मदद करूँगा और बिजनेस में भी। और वो उसको इम्प्रेस करता है अपनी इंग्लिश के स्पीकिंग स्किल से। चमन बहुत इम्प्रेस हो जाती है। कान्हा कहता है, अब आप फॉरेन ट्रिप्स के लिए भी तैयार हो जाइए मेरे साथ। चमन एक्साइटेड हो जाती है। सयूरी दूर से देख रही होती है और बहुत चिढ़ रही होती है। चमन एक्साइटेड होती है कान्हा के साथ मीटिंग पर जाने के लिए। इधर इंदु और दादी काफ़ी ज़्यादा अपसेट होते हैं फैमिली को लेकर के। तभी दादी उससे कहती है, कान्हा और सयूरी है ना, वो ज़रूर सब संभाल लेंगे। रश्मि अंदर जाती है और सोचती है पिछले के दरवाजे से कि मैं कैसे बाहर आऊँ, कैसे मैं यहाँ घर में दोबारा घुसूंगी। रश्मि तभी उनसे रिक्वेस्ट करती है एक चांस देने की, लेकिन हर कोई उन्हें मना कर देता है। सयूरी के परमिशन के बिना वो लोग कुछ भी नहीं करने वाले और ना ही घर के अंदर आने देंगे। रश्मि कहती है, सयूरी ने तो मुझसे कह दिया था। तभी सयूरी को वो रोकती है जब वो पीछे जा रही होती है और कहती है कि प्लीज़ आप मुझे घर के पीछे वाले हिस्से में रहने की जगह तो दे दीजिए। तभी यहाँ पर सभी लोग आते हैं और कान्हा और सयूरी के बारे में बात करते हुए रश्मि कहती है, रश्मि दीदी ने ही मुझसे कहा था कि घर के पीछे रहो, लेकिन कोई भी उसका विश्वास नहीं करता। और वो कहते हैं कि नहीं, हम सयूरी से खुद कंफर्म करेंगे। चमन यहाँ पर पूजा कर रही होती है। तभी सरोज ये देख रही होती है कि इतने सारे सालों में हमेशा पूजा मैंने की है और आज रामनवमी के उस अवसर पर भी कोई बाहर वाला आकर के पूजा कर रहा है। धनराज उसे याद दिलाता है कि इवन राम जी भी ज़बरदस्ती 14 साल के लिए वनवास गए थे और उनका जो लक था वो उन्हें वापस लाया था। कान्हा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है चमन की पूजा करते हुए। तभी चमन के कमर से चाबियाँ गिर जाती हैं और वो नोटिस नहीं करती। कान्हा सयूरी को सिग्नल करता है, इससे पहले चमन नोटिस करे। टिंगू बहुत ज़्यादा शक भरी निगाहों से देख रहा होता है सयूरी को। बाद में चमन यहाँ पर सरोज से कहती है यहाँ कि आप जाइए जाकर के सारा किचन का साफ सफाई करिए। और दादी मौसी से कहती है कि आप धूल साफ करिए। तभी वो कहती है कि मैंने आपको कुक हायर किया है ना सयूरी दीदी, इसलिए आप जाइए दादी जी से कहिए कि पेड़ पौधों में पानी डालें। और वो धनराज से कहती है कि आप मेरे लिए कुछ पीने को लेकर आइए। धनराज मना कर देता है और कहता है, मैं ऐसा कोई भी हरकत किसी कीमत पर नहीं करूँगा। कान्हा सजेस्ट करता है, नकुल एक काम करो, तुम कर दो। और चमन मान जाती है। तभी वो उससे कहती है कि आप चिकन भी लाइए कुछ, और ताकि मैं दारू के साथ में चिकन भी इंजॉय कर सकूँ। सरोज ये सुनकर बहुत घबरा जाती है। वो कहती है कि नहीं नहीं, इस घर में नॉनवेज नहीं आएगा, मैंने आज तक इस घर में कुछ भी नॉनवेज नहीं पकाया है, इवन मैं सिर्फ भगवान के लिए प्रसाद पकाती हूँ। चमन कहती है कि आप मुझसे लड़ना चाहती हैं। कानों से कूल डाउन कराता है, दोनों को कूल डाउन कराता है, लेकिन सरोज कहती है नहीं, ऐसा नहीं होगा। चमन कान्हा से कहती है, आप कोई काम मत करिए, आप बस मेरा डांस और मेरी एक्टिंग रिकॉर्ड करिए। कान्हा मान जाता है और सयूरी चिढ़ जाती है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसी ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। We'll be right back.